ऑल राइट गाइस, लेट्स स्टार्ट विद एग्रीकल्चर इनकम। हमने शुरू में पढ़ा था बच्चों छोटा सा, और उससे रिलेटेड एक छोटी सी बात आज लिख रहा हूं। इंडियन इंडियन एग्रीकल्चर इनकम इज फुली एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। Unless and until it get covered under partial integration scheme, अब ये पार्शियल इंटीग्रेशन स्कीम क्या होती है बच्चों, उसी पे हमें आए न्यूमेरिकल करने हैं। बट टू बिगिन विद, इंडियन एग्रीकल्चर इनकम इज फुली एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, फुली एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स अनलेस एंड अनटिल इट इज गेट कवर्ड अंडर पार्शियल इंटीग्रेशन स्कीम। ये पार्शियल इंटीग्रेशन स्कीम क्या होती है अभी देख लेंगे बच्चों। नाउ मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, पढ़ते रहना बच्चों, डेफिनेशन है, मैं उसको पढ़ने में भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहा बिकॉज रट्टा मारनी है। और मेजरली 5 नंबर के लिए ना ये मेन पॉइंट रट्टा मारना जो 3 पॉइंट स्टार्टिंग में दिए हुए, ठीक है, बाकी तो एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद मतलब इसको स्ट्रेट एक फॉरवर्ड बार, आता है सर क्वेश्चन। हाँ, डिफाइन एग्रीकल्चर इनकम 5 नंबर के लिए, या फिर न्यूमेरिकल आता है, व्हाट आर द इंस्टांसेस ऑफ इनकम हेल्ड टू बी एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर। तो वो डेफिनेशन पढ़ने के बाद इन एग्जांपल्स को पढ़ लेना और देखना क्या आपकी आत्मा आपको अलाउ करती है उसे एग्रीकल्चर इनकम बोलने पे। मतलब ऊपर की कंडीशन कोई ना कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सेटिस्फाई हो रही होगी ना। प्रॉब्लम आती है बच्चों, व्हाट इज द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ इनकम विच इज पार्शली एग्रीकल्चर एंड पार्शली फ्रॉम बिजनेस। पहले मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ इसको समझाने के लिए कि यार हम 12th स्टैंडर्ड में कुल करनी, इफ यू रिमेम्बर, हम एक इनकम मेथड पढ़ते थे बच्चों नेशनल इनकम में, यस सर, उसमें ये वर्ड हम बहुत बार ही देखते थे, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। जैसे आज मैंने बेस्ट एग्जाम्पल ले लिया फार्मर, उसने क्या ग्रो किया टी को, चलो टी को छोड़ो, उसने क्या ग्रो किया शुगर को, नहीं शुगर केन, उसने उस शुगर केन को बाजार में गन्ने को बेचा नहीं, शुगर केन को अपनी फैक्ट्री में ले गया और उसकी क्या बना दी, शुगर। शुगर। और शुगर के लिए यही जो उसकी फिनिश गुड थी फार्मिंग की, उस फैक्ट्री के लिए वो उसकी क्या बन गई, इनपुट, रॉ मटेरियल इनपुट वही रॉ मटेरियल। अब जी सर, उसने इस शुगर को 10 लाख के प्रॉफिट पे बेच दिया, तो क्या ये उसका प्योर प्रॉफिट शुगर का है, नहीं, इस शुगर में जो शुगर केन भी उसने यूज कर ली, जो वो अगर मार्केट में बेचता 3 लाख रुपए प्रॉफिट कमा सकता था। तो टेक्निकली ये जो 10 लाख रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है ये शुगर का है, कॉल नॉन एग्रीकल्चर इनकम का है, एग्री का है, या दोनों का है, दोनों का है। दोनों का है, जिसको मैंने लेमेन सेंस में बोल दिया मेरा बेटा मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड। नाउ आगे चलते हैं। अब यहां पे ये रट्टाफिकेशन है, इफ आई एम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया, तो मेरा जितना भी प्रॉफिट होगा उसका फ्लैट 40% हम ट्रीट कर लेंगे नॉन एग्रीकल्चर इनकम एंड 60% ट्रीट कर लेंगे एग्रीकल्चर इनकम। सिमिलरली सेल ऑफ कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड बाय द सेलर 25-75, सेल ऑफ कॉफी ग्रोन क्योर्ड रोस्टेड ग्राउंडेड बाय सेलर 40-60, सेल ऑफ लेटेक्स और बेस क्रीप्स, पता नहीं क्या क्या, मुझे भी नहीं पता, टेक्निकली स्पेसिफाइड ब्लॉक रबर मैन्युफैक्चर और प्रोसेस नाम रट्टे मारने 35-65। मेन लिमिट याद करके चलनी है कि भैया, हाँ, ज्यादातर आपको क्वेश्चन आता है या तो इस पे या इस पे, ज्यादातर, आई वॉन्ट से सर ऑलवेज। सर एक डाउट पूछना अभी डाउट मत पूछ, ये। एक मिनट रुक जाओ। तो आपकी अगर इनकम मिक्स इनकम है उसको आप एग्री और नॉन एग्री किस रेशियो में डिवाइड करोगे, जो इस लॉ के प्रावधान में लिखा, जो इस लॉ के प्रावधान में लिखा, ठीक है, यस सर,
ना आगे चलते हैं बच्चों, भगवान हमारा भला करे, सबका मालिक है। अब सूरज स्पेसिफिक एक डाउट मिनट और है। रुकना, कहते हैं फॉर डिसइंटीग्रेटिंग अ कॉम्पोजिट बिजनेस इनकम विच इज पार्शली एग्रीकल्चर एंड पार्शली नॉन एग्रीकल्चर इन एनी अदर केस। देखो अगर इसमें फॉल करता है तब तो प्रॉब्लम ही नहीं, कहते हैं अगर इसके अलावा कोई भी केस और बनता है जो आपकी मिक्स इनकम का बनता है उसको कैसे डिवाइड करें। इसको अभी मत पढ़ो, मेरे साथ इधर आ जाओ, एक क्वेश्चन पे आ जाओ। कहते हैं एक्स लिमिटेड ग्रोस शुगर केन टू मैन्युफैक्चर शुगर, इस पूरी लिस्ट में कहीं शुगर केन की बात हुई? थैंक नो यू, नो सर, सो वी फॉल अंडर। एनी अदर केस। एनी अदर केस, कहता है भाई साहब ने कल्टीवेट किया शुगर केन को, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 6 लाख उस पर इनकर की और कितने का बेच दिया? 22 लाख का। इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर मानो, ये जो कंपनी थी उसने शुगर केन को कल्टीवेशन में कितना पैसा खर्चा? 4 लाख। 6 लाख उसको शुगर में कन्वर्ट करने पे लगाया तो टोटल खर्चा कितना हो गया? 10 लाख, और उसने यस उसको सर। 22 लाख का बेच दिया, प्रॉफिट कितना हुआ? 12 लाख। बट इधर देखो, ये उसका लैंड जहां पे उसने क्या प्रोड्यूस किया? शुगर केन। शुगर केन। शुगर केन प्रोड्यूस करने में उसका खर्चा कितना हुआ? 4 लाख। 4 लाख। ये है उसकी फैक्ट्री जिसमें उसने इस गन्ने को ट्रांसफर कर दिया, और यहां पे उसने कितना खर्चा किया? 6 लाख, और सेल कितने का कर दिया? 22 लाख। बट यही शुगर केन अगर वो अपनी फैक्ट्री नहीं लगाता, यही शुगर केन अगर वो अपनी फैक्ट्री नहीं लगाता तो इस शुगर केन को कहां बेचता? मार्केट में मार्केट। और वो कह रहा है उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 9 लाख। यस सर। यानी अगर वो मार्केट में बेचता तो उसको गन्ने बेच के कितना प्रॉफिट फाइव। होता? इसका मतलब ये जो 12 लाख का प्रॉफिट है, ये जो 12 लाख का प्रॉफिट है इसमें, ये मैं लेमन सेंस में समझा रहा हूँ बेटा, 5 लाख रुपए तो उसका एग्री इनकम है और 7 लाख रुपए, नॉन एग्री। समझ आती है बंसल साहब? अच्छा ठीक है सर। हाँ मैंने तो लेमन सेंस में समझाया उत्तर, मैंने तो समझाया ही नहीं वो सर। मैथ्स कैसे करेंगे। सिंपल सा स्टाइल है यार, शुगर केन को अगर मैं अपनी फैक्ट्री में ना लेके जाता, अपनी फैक्ट्री नहीं लगाता, बाजार में तो बेचता, यस सर। बाजार में तो मैं उसे 9 लाख रुपए का बेचता तो मुझे प्रॉफिट कितना हो जाता? 5 लाख। तो इसका मतलब अगर मैंने फैक्ट्री से बेच के टोटल 12 लाख का प्रॉफिट कमाया है, 5 तो मैं खाली गन्ने बेच के भी कमा सकता था, मेहनत करने की भी जरूरत नहीं थी। तो मेहनत करके एक्स्ट्रा कितना प्रॉफिट कमाया? वो है मेरे धंधे का प्रॉफिट, बोले तो बिजनेस इनकम कॉल्ड नॉन एग्रीकल्चर इनकम। अब उसकी प्रेजेंटेशन कैसे? बड़ा आसान, एग्री नॉन एग्री, सेल वैल्यू कितनी? 22 लाख। लेस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कितनी? 6 लाख। लेस कॉस्ट ऑफ शुगर केन कितनी? एक बच्चा कहता है 4 लाख। मैंने कहा बेटा, कहता है हाँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। समझ आती है मेरी बात? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द अपॉर्चुनिटी लॉस फॉर इट्स नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज। तो मेरे लिए तो उस गन्ने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है? फैक्ट्री में ना डालता, मार्केट में बेचता, कितने की बिकती? 9 लाख की। थैंक यू, ये रहा आंसर, दिस इज द आंसर प्रेजेंटेशन। सर एक बार आप दिखाओगे जो जो आपने किया है। वो भी दिखा दूंगा बच्चों,
कोई दिक्कत? पर कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन 6 लाख नहीं, 4 लाख नहीं है? कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन 4 लाख थी ना मुझे, हाँ, तो आपने 6 लाख ये माइनस कर दी। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन नहीं लिखना था, मैंने ये गलत लिखते हुए, ये तो मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अच्छा है अच्छा भाई। नॉन एग्रीकल्चर में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंटर की ना 6 लाख की, हाँ जी, और कॉस्ट ऑफ शुगर गेन कितनी? 4 लाख मत बोलना भाई, मार्केट में बेचता, बिकॉज हाँ यू जी, एंड योर बिजनेस आर ट्रीटेड एज टू सेपरेट एंटिटीज। तो मैं तो सेपरेट एंटिटी बन के सोच रहा हूँ उस समय, कि अगर फैक्ट्री बाजार से गन्ना खरीद के लाती तो कितने का मिलती? 9 लाख का मिलता। बिल्कुल कोई दिक्कत। नो दिक्कत सर। सर एक मुझे ना वो उधर उधर डाउट था जो आप बताए थे ना, 60-40 वो जो परसेंटेज था हाँ उस पे उसमें आ जाता मुझे। हूँ पहले, उसके लिए भी 1 मिनट दे दे बेटा मेरे को। कुलकर्णी था ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, रेट क्या है? 40-60 खत्म क्वेश्चन। 4 लाख इसमें से आप बोल दोगे, क्या बोल दोगे? एग्री इनकम, सॉरी नॉन एग्री इनकम, और 6 लाख एग्री इनकम। यस सर। अब सुयश भैया आप जो पूछना चाहो पूछ सकते हो, क्योंकि उसके बाद मेरे पास और थोड़ा सा ही पढ़ाने को बाकी है। अच्छा सर, मुझे ना बस ये पूछना था कि जो आप पॉइंट्स बता रहे थे उसमें लास्ट का थर्ड और फोर्थ पॉइंट में डिफरेंस क्या एग्जैक्टली? किसमें? लास्ट में डिफरेंस क्या है, जो थर्ड और फोर्थ पॉइंट जो हम रेशियो सीख रहे थे ना, नॉन एग्री और एग्री का, किस परसेंटेज में हम डिवाइड करेंगे उनकी इनकम को, उसमें लास्ट के 2 पॉइंट्स में डिफरेंस क्या है? क्योंकि मान लीजिए सर सेल ऑफ कॉफी ग्रोन आ जाता है, तो वो तो दोनों जगह मेंशनड है। मैं समझा नहीं आपकी बात। सर एक बार आप या तो उस पे मूव करिए, शायद से आपको समझ आ जाए। हाँ बोलो जो। सर इसमें थर्ड और लास्ट का थर्ड लास्ट के 2 पॉइंट्स है ना, सेल ऑफ कॉफी ग्रोन एंड सेल ऑफ कॉफी ग्रोन क्योर्ड रोस्टेड एंड ग्राउंडेड बाय सेलर इन इंडिया, इस चीज का फर्क है बच्चों, इन दोनों में मतलब। ये वर्ड देखो, मेरे को ज्यादा टेक्निकलिटी तो नहीं पता बच्चों, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ये वर्ड क्या आ गया? ग्राउंडेड अच्छा, तो मतलब क्वेश्चन में तो स्पेसिफाइड होगा ना, ताकि हमारे बिल्कुल लिए बच्चों डिस्क वो बिल्कुल। ना आ जाए डिस्क कि भाई नहीं नहीं कहीं। बच्चों, ये की तभी तो मैंने कहा ये प्योर रट्टा है। ठीक है सर, चलें आगे बच्चा पार्टी। यस सर। अब आते हैं पुत्र, पार्शियल इंटीग्रेशन स्कीम लगेगी कब? जनरली तो हम कहते हैं इंडियन एग्रीकल्चर इनकम इज फुली एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, यस इंडियन सर, एग्रीकल्चर इनकम इज फुली एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, यस बट इन सर, सम केसेस वी हैव टू अप्लाई पार्शियल इंटीग्रेशन स्कीम। पार्शियल इंटीग्रेशन स्कीम का मतलब है कि इवन एग्रीकल्चर इनकम पे भी टैक्स लगेगा, इवन एग्रीकल्चर इनकम पे भी टैक्स लगेगा। अब वो कब लगेगा? जब आप पार्शियल इंटीग्रेशन स्कीम की कंडीशन सेटिस्फाई करोगे, फॉलोइंग मतलब ऑल ऑफ देम। नंबर वन, हु आर यू? इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, कहीं फर्म का नाम लिखा है? देखो कंपनी मुझे फर्क नहीं पड़ता, वैसे तो नीचे लिखा हुआ है नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ ऑल दीज, बट अपने सिलेबस में या तो असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल है या असेसमेंट ऑफ HUF। पार्टनरशिप फर्म। अच्छा हाँ, तो पार्टनरशिप फर्म को ये पार्शियल इंटीग्रेशन स्कीम अप्लाई नहीं होगी। इंडिविजुअल्स को होती है, तो हमारे लिए ये चीज ध्यान रखना जरूरी है। इसका मतलब क्या हुआ? फर्म ने अगर कुछ खेती की है, इट इज ऑलवेज फुली एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स। टैक्स बट मैंने वर्ड लिखा था इंडियन एग्रीकल्चर इनकम, वो कहेंगे आपने खेती की कनाडा में,
भाई वो खेती नहीं है, इंडिया में थोड़ी हुई है, समझ गए ना क्या कह रहा हूँ। थैंक यस यू, सर, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। नाउ सेकंड कंडीशन, द टैक्स पेयर हैज अ नॉन एग्रीकल्चर इनकम, यानी फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, आईओएस, सब मिला के एक्सीडिंग द लिमिट। अब लिमिट वो डिपेंड करता है, मैं कौन हूं, 40 ईयर्स का यानी 2.5 लाख, 60 ईयर्स का यानी 3 लाख, 80 ईयर्स का मैं सुपरमैन सलमान का फैन यानी 5 लाख। लिमिट्स हमारी अलग अलग है ना बच्चों, रेजिडेंट, हाँ सीनियर जी सर, सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख। इज दैट पॉइंट क्लियर पुत्र, हाँ जी सर, ये बात समझ आ रही है ना बेटा मैं क्या कह रहा हूं। यस सर, ये देखो नीचे लिखा हुआ है पुत्र, अगर मेरी बात समझ नहीं आ रही, 2.5 लाख इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन, 3 लाख इन केस ऑफ सुपर सीनियर सिटीजन, 5 लाख। बट सब कौन है, यानी अगर आप नॉन रेजिडेंट सीनियर सिटीजन हो तब भी लिमिट 2.5 लाख ही रहेगी, चाहे आप 90 लाख के हो जाओ, सॉरी 90 साल के हो जाओ। इज दैट पॉइंट क्लियर, यस सर, लॉक कर दूं? यस सर, हाँ जी श्योर, सर, ऑलराइट। एंड एग्रीकल्चर इनकम एक्सीड्स 5,000, तब जाके पार्शियल इंटीग्रेशन स्कीम के स्टेप्स लगेंगे। वो स्टेप्स क्या है वो हम क्वेश्चन के साथ सीख लेंगे, वो स्टेप्स रटवाने नहीं है, क्वेश्चन में अप्लाई करके समझ। मतलब 3 क्वेश्चन में चैप्टर खत्म है, हाउ3 क्वेश्चंस में चैप्टर्स आर डन। यस मेरा बेटा, इसमें है कि बच्चे इस पे ज्यादा आता नहीं ना मेरा पुत्र, 5 नंबर का ही आता है बच्चों, वो भी थियोरेटिकल। ज्यादातर थ्योरेटिकल पुत्र, अगर आपने 10 ईयर अभी तक देख लिया है तो। बट सिंस न्यूमेरिकल आ जाए तो हमें उसको बच्चों इग्नोर नहीं करती, करना भाई को टेक अ चांस। ठीक है सर, ऑलराइट, अब पार्शियल इंटीग्रेशन स्कीम लगती कैसे है वो हम क्वेश्चन में देखेंगे, सीधा सीधा कुछ क्वेश्चंस करते हैं एंड फिनिश करते हैं चैप्टर को। 188P1 कहता है, फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22 नॉन एग्रीकल्चर इनकम 2.5 लाख। भाई करी तो नॉन एग्रीकल्चर इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से एक्सीड, करता ही नहीं है। हाँ तो अब आपकी अगर एग्रीकल्चर इनकम 6.8 करोड़ भी है, क्या पार्शियल इंटीग्रेशन स्कीम लगेगी? ना, और अगर पार्शियल इंटीग्रेशन स्कीम नहीं लगेगी तो इंडियन एग्रीकल्चर इनकम इज फुली एग्जाम्ड फ्रॉम टैक्स, इंडियन एग्रीकल्चर इनकम इज फुली एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। इज दिस पॉइंट क्लियर बेटा? हाँ जी सर, देखो यही लिखा है, इज नॉट लायबल टू पे एनी टैक्स इरिस्पेक्टिव ऑफ एग्रीकल्चर इनकम बिकॉज द पार्शियल इंटीग्रेशन स्कीम लॉ इज नॉट। एप्लीकेबल थैंक यू, सर। तो अगर नॉन एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से एप्लीकेबल नहीं है पार्शियल इंटीग्रेशन, तो जो बचा हुआ 2.5 लाख है उस पे तो कुछ भी नहीं, उसमें मतलब कुछ एक टैक्स ही नहीं लगेगा ना, क्योंकि सुनो ना, लिमिट से कम है। एग्रीकल्चर पे टैक्स लगना नहीं, बेसिक एग्जम्पशन हाँ लिमिट से ऊपर गए नहीं टैक्स लगना नहीं, तो यू आर नॉट लायबल हाँ टू पे टैक्स। हाँ जी, मतलब वो किसी भी दूसरे हेड में आ जाए कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि टोटल तो 2.5 लाख से कम है। यस, ठीक है सर, लॉक कर दूं? यस सर, यस पक्की सर, बात? हाँ जी सर, एक सेकेंड बच्चों, नाउ 182-23 हमारा असेसमेंट ईयर 22-23, हमारी नेट एग्रीकल्चर इनकम कितनी है, 8,10,000। 5,000 से ज्यादा है ना। हाँ जी सर, हमारी नॉन एग्रीकल्चर इनकम कितनी है, 4,78,300। 2.5 लाख से ज्यादा है ना। हाँ जी, इसका मतलब इस क्वेश्चन में पार्शियल इंटीग्रेशन स्कीम, लगेगा। दूसरी बात नॉन एग्रीकल्चर इनकम के केस में उसने नेट नहीं लिखा, समझ गया ना मैं क्या कह रहा हूं।
एग्रीकल्चर में तो उसने वर्ड नेट लगा दिया, बट नॉन एग्रीकल्चर में उसने नेट नॉन एग्रीकल्चर ही बोला। सर मतलब अभी समझाता हूं, पहले तो मैं ये लिख रहा हूं ऊपर, पार्शियल इंटीग्रेशन स्कीम एप्लीकेबल। ये बात समझ आ गई? P2 सर। पार्शियल इंटीग्रेशन स्कीम एप्लीकेबल एप्लीकेबल ना, आगे चलते हैं, भगवान हमारा भला करे। हमारी नेट एग्रीकल्चर इनकम कितनी है, नॉन एग्रीकल्चर कितनी है, जरा देखते हैं आराम आराम से। इधर देखो, थोड़ी देर के लिए नेट एग्रीकल्चर इनकम भूल जाओ, हमारी नॉन एग्रीकल्चर इनकम कितनी है, 478। 300 लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80। भाई यू नेट तो तभी आती है जब डिडक्शन क्लेम करते हो, याद करो यार, अब तो पूरा सिलेबस खत्म हो गया है। हाँ जी सर और LIC 3 लाख सम एश्योर। अगर क्वेश्चन साइलेंट तो हम चल सोच रहे हैं बाप दादा के जमाने से पॉलिसी चल रही है, तो 3 लाख का 20% विच इज 60,000 और ₹20,000 विच एवर इज लोअर तो 20,000 ही लगेगा। ठीक है। हमारी नेट नॉन एग्री इनकम इज, अब एग्री इनकम कितनी, सर 8,10,000। सर एग्री पे टैक्स नहीं लगता, मेरे को सर एग्री, एग्री इनकम कितनी, 8,10,000 टैक्स ऑन 1,268,300 निकालो कितना आया। सारे बच्चे स्मार्ट हो, -10 लाख इंटू 30% प्लस 1,12,500। हाँ जी सर बच्चे स्मार्ट हो, बच्चों मैं शॉर्टकट सिखा चुका हूं, निकालो कितना टैक्स आया बेटा, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है आज। इट मस्ट कम आउट टू 192,990। 192,990। आ रहे क्या, हाँ जी इसको मैंने नंबर दे दिया 1। अब मैंने आपसे पूछा आपकी एग्री नेट एग्री इनकम कितनी, इतनी है ना बेटा। यस सर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी है, 2,50,000। सर आप कर क्या रहे हो यार, सुन लेना 2 मिनट यार। अगर आप रेजिडेंट सीनियर सिटीजन होते तो आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी होती, 3 लाख, और अगर सुपर सीनियर सिटीजन होते पांच लाख तो यहाँ पे मैं उसी अमाउंट को ऐड करता हूँ। सर क्यों रुक जाना यार, टैक्स निकालो 10,60,000 पे। वही उसी तरीके से। ओ यार उसी तरीके से निकालेंगे, 10 लाख के ऊपर कैसी बातें कर रहा है। सो 10,60,000 -10 लाख इंटू 30% विच इज सर 18,000 प्लस 1,12,500 विल बिकम 1,30,500। करेक्ट। यस सर अब 1 -2 का डिफरेंस बताओ, ₹62,490, यस सर कोई दिक्कत। सर दिक्कत तो है अभी तक। देखो दिक्कत खत्म कर रहा हूं। देखो मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि लॉ में लिखा है, जरा सुयश बंसल साहब, दिस इज कॉल्ड
पहले हमने क्या किया, वो एड आती है ना, गंजा और गंजे के सर पे बाल, सोचो ही मत कि एग्री कितनी है नॉन एग्री कितनी है, इकट्ठा करो टैक्स निकालो। उसके बाद एग्री पे बेसिक लिमिट ऐड करो टैक्स निकालो। ये मैं नहीं कह रहा, हमारा लॉ कह रहा है, ये देखो स्टेप वन। इसीलिए मैंने अपनी नॉन एग्रीकल्चर इनकम 458 300 में एग्री को क्या कर दिया था, क्या कर दिया था बेटा, अपनी नॉन एग्री इनकम में एग्री को भी क्या कर दिया था, ऐड कर दिया था, ऐड करा, क्योंकि स्टेप वन कह रहा है ट्रीटेड एज इफ इट इज द इनकम चार्जेबल टू टैक्स। स्टेप टू कहता है उस पे आप ऐड करो और टैक्स निकालो, मैंने निकाल दिया। चलो स्टेप फालतू के बना दिया, वो है फर्स्ट स्टेप ही। हाँ, ये एक्चुअल में एक ही स्टेप है। आप कहते हैं जो भी आपकी नेट एग्री इनकम है, नेट नेट, उसमें क्या ऐड कर दो, एग्जम्पशन लिमिट यानी फर्स्ट स्लैब, इसीलिए मैंने 2.5 लाख ऐड किया, और उस पे अब यस टैक्स निकाल दो। आप कहते हैं जो आपने टैक्स स्टेप टू और फोर में, थ्री में निकाला है, उसका डिफरेंस इज द बैलेंस, वो आप निकाल लो, मैंने निकाल लिया, इसके आगे का मत छोड़ो, यही किया मैंने अभी तक। कोई यस यस दिक्कत नो सर, बच्चों, स्टेप्स हैं कुलकर्णी साहब, मेरे पास इससे ज्यादा बोलने को इसमें बेटा कुछ है ही। यस सर, हाँ क्लियर है बंसल? जी सर, बट मेरा भाई कहता है सर रिबेट अंडर सेक्शन 87 ये तो लेना पड़ेगा, क्योंकि आपकी इफेक्टिव नॉन एग्री इनकम तो लेस देन, अच्छा टोटल नहीं लेंगे इसमें। नहीं बच्चों वो तो एग्री को टैक्स करने के लिए आपने ऐड किया है, बट एक्चुअली तो आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम 5 लाख से कम ही है ना, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसीलिए मुझे ये क्लास में करवाना जरूरी होता है, गलती से प्रैक्टिकल आ जाए। ये चीज नहीं समझ में आ रही थी जो बुक में लिखी थी। उसका रीजन ये है बच्चों, क्योंकि इफेक्टिवली एग्रीकल्चर इनकम पे तो वो जबरदस्ती टैक्स ले रहे हैं, जबरदस्ती भी नहीं, लॉ कहता है इतने पैसे कमा रहे हो तुम सारा एग्री के नाम पे, तो तुम उस पे भी थोड़ा टैक्स दो। हाँ और रिबेट अंडर सेक्शन 87 क्या होती है, 100% ऑफ टैक्स और ₹12,500 विच एवर इज लोअर। अब इस पे आप अपना सरचार्ज तो है नहीं, एजुकेशन सेस, हायर एजुकेशन सेस 4% 50 लाख ऐड कर प्लस दो। होता तो होता ना सर चार्ज, हाँ वो फिर नॉन एग्री से देखते वो भी। बिल्कुल, ओके करेक्ट। चलो आगे बच्चा पार्टी। सर, एक चीज पूछ लूं, यस बेटा, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, वी आर गुड टू गो फॉर टुडे। वो नेट से जो आपने नॉन एग्री और एग्री का बता रहे थे, नेट मतलब वो है ना कि डिडक्शन अभी तक नहीं लगी है, अगर वो नेट लिख देता नॉन एग्री में भी तो इसका मतलब डिडक्शन लग गई, लग गई फिर हम डिडक्शन वाली जो वैल्यू दिया उसको कंसिडर उसका कुछ नहीं करेंगे हम। कुछ नहीं करेंगे। ठीक है सर, नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, 188B3। यू एंड योर पार्टनरशिप फॉर्म आर ट्रीटेड एज टू सेपरेट एंटिटीज। एंड एग्रीकल्चर इनकम इज सब्जेक्ट टू पार्शियल इंटीग्रेशन स्कीम ओनली इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल बट नॉट पार्टनरशिप फॉर्म। ऑलराइट, हाँ जी सर, कहता फाइंड आउट द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ एक्स ऑन द अजम्पशन दैट
ही कॉन्ट्रीब्यूट दिस मच टूवर्ड्स पब्लिक प्रोविडेंट फंड पर्टेनिंग टू ऑल्टरनेटिव टैक्स रेजिम, इग्नोर मार दो। ठीक है जी, आराम आराम से बात करते हैं। फॉर एनी असेसमेंट ईयर एक्स एज 62, अब उसकी एज कितनी है? सीनियर सिटीजन वाली डन। हाउस प्रॉपर्टी इनकम 625, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉफी इन इंडिया ग्रॉस, ये तो ग्रॉस है, तो नेट कितना हुआ? एक्सपेंडिचर और अर्निंग कॉफी इनकम तो 4,98,000 हो गया। अच्छा, कौन से वाली लिमिट लगेगी? ऑन ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉफी 25-75 या 40-60? सर ये 40-60 वाली लगेगी। आपने नॉन एग्री में 625 लिख दिया पहले, हाँ जी और 498 का 60% और 40% एग्री और नॉन एग्री में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे जिस भी बच्चे को डाउट है, बच्चों क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में ग्राउंडेड बाय सेलर हो गया, हाँ जी सर। बस ये फर्क है बच्चों। सर इसमें इंडिया भी लिखा है तो उससे भी फर्क पड़ जाएगा थोड़ा। हाँ, तो बस ये छोटी सी चीज बतानी थी। इसके अलावा देखो ये क्वेश्चन मुझे यहीं पे दिख गया। आप मेरी बड़े प्यार से चल सुनना बच्चों, जल्दी मत करना। ये मेरी एग्रीकल्चर इनकम, ये मेरी नॉन एग्रीकल्चर इनकम। बट नॉन एग्रीकल्चर इनकम को नेट बनाने के लिए मुझे पहले डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U लेनी पड़ेगी। एंड वी करेक्ट। हैव पेड 60,000 टू द पब्लिक प्रोविडेंट फंड। दिया है ना उत्तर? हाँ जी सर। बस अब नेट इनकम कितनी आ गई बच्चों, लिख के बताऊं या यहां पे समझ आ रहा है? कुलकर्णी बंसल नहीं, ठीक है सर, सिंपल बच्चों, हाउस प्रॉपर्टी इनकम मेरी नॉन एग्री में गई, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग 40% और 60% में डिवाइड कर दिया, 60% यस। एग्री 40% नॉन एग्री में डाला। नॉन क्योंकि पार्शियल इंटीग्रेशन स्कीम का कॉन्सेप्ट तब चेक होगा, अब चेक होगा। पहले तो अगर आपकी मिक्स इनकम है, आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा बिटवीन एग्रीकल्चर इनकम एंड, नॉन एग्रीकल्चर थैंक यू, बिटवीन एग्रीकल्चर इनकम एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम। उसके बाद अब जब आपकी नेट नॉन एग्रीकल्चर इनकम आ गई, अब आप बात करोगे आर यू एन इंडिविजुअल, यस। इज योर एग्रीकल्चर इनकम मोर देन 5,000, यस। Is your income more than the basic exemption limit? Yes. Now apply partial integration scheme. और partial integration scheme बच्चों को पता है बड़ा आसान है। इन दोनों को ऐड करो, इस पे क्या निकाल दो? टैक्स। फिर अपनी एग्री इनकम में बेसिक लिमिट, इस बार 3 लाख क्यों ऐड की है? बिकॉज यू आर 62 ईयर रेजिडेंट ऑफ इंडिया। यस सर। बिकॉज यू आर 62 ईयर्स ऑफ एज एंड रेजिडेंट ऑफ इंडिया, इसीलिए उसको एड करके टैक्स निकाल दो। इसका डिफरेंस एड द सरचार्ज। और इस बार रिबेट अंडर सेक्शन 87A अवेलेबल, इस बार नहीं होगा। क्योंकि उसकी नॉन एग्रीकल्चर पांच, इनकम ही बच्चों 7,64,000 है, विच इज मोर देन 5 लाख। हाँ जी सर। सो ऑल अबाउट एग्रीकल्चर इनकम, ऑल अबाउट एग्रीकल्चर इनकम, यू आर गुड टू गो। हाँ, ये मैं बस एक क्वेश्चन नहीं करवाना चाहता, इसका एक आधा पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ। सुयश बंसल, हाँ जी सर। इज इट एन एग्रीकल्चर इनकम? नेपाल है ना, नेपाल अपने में थोड़ी है, सिक्किम? अपने में बस ये बात याद रख, आउटसाइड का हमें को कोई लेना देना ही नहीं है, वो हमारे लिए इंडियन के, एग्रीकल्चर नहीं इंडियन है कि उसको हम टैक्सेबल भी नहीं कर सकते। है। ठीक है, एग्री में इतना ही पढ़ के बाकी 10 ईयर से कर लो बच्चों, अदरवाइज तो टैक्स बहुत वास्ट है। ठीक सर टैक्स बहुत कुछ है। है ना, तो हम यही रिवाइज कर ले, वो ज्यादा बेटर है बच्चों। तो ये आप करेंगे और आप मेरे को आप रिवाइज करके बताएंगे मंडे को, मैं एक आधा पेपर, एक या दो पेपर करने की कोशिश करूंगा।
ओके सर, ऑल राइट गाइस, बाय बाय। देखो आज तो जल्दी छोड़ दिया। सर आज तो कुछ 40 कितना